और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। सीएम बघेल अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे। सत्र हंगामेदार होने के आसार है। तो आपको बता दें कि ये विशेष सत्र बुलाया गया है, आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए विशेष सत्र ये बुलाया गया है। वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे। सत्र हंगामेदार रह सकता है, तो सत्र के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए ये सत्र बुलाया गया है, दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे। तो अनुपूरक बजट भी इसी दौरान पेश किया जाएगा। विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है, तो सत्र के हंगामेदार होने के पूरे पूरे आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ चूंकि लगातार विपक्ष ने इस मुद्दे को बना रखा है, इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत भी गरमाई हुई है। आरक्षण का ये मुद्दा काफी ज्यादा अहम है, जिसको लेकर अब ये विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है। आपको बता दें कि दो दिन का ये विशेष सत्र रहेगा, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहेगी। सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं वो जवाब देंगे यहाँ पर इसमें संसद में। वहीं दूसरी तरफ अगर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जवाब दिया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से विशेष सत्र जो है वो यहाँ पर बुलाने की मांग जो है पहले ही कर ली गई थी। अब आपको बता दें कि चूंकि आज से इसकी शुरुआत हो रही है, ऐसे में जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो लगातार अब कांग्रेस के ऊपर हमलावर रहेंगे। और आरक्षण का जो मुद्दा है, जिसको लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत भी गरमाती हुई दिखाई दे रही थी, उस मुद्दे को लेकर अब यहाँ पर सदन में ये पूरी तरीके से हंगामे होने के आसार नजर आ सकते हैं। तो सदन में पूरी तरीके से हंगामा होने के आसार नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, चूंकि अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा सदन में, सीएम भूपेश बघेल अनुपूरक बजट पेश करेंगे। आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया, दो दिन का ये विशेष सत्र रहेगा, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है। तो विधानसभा का विशेष सत्र आज से चूंकि शुरू हो रहा है, ऐसे में आपको बता दें कि तमाम मुद्दे इसमें गूंजते हुए दिखाई देंगे और विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तरीके से कोशिश भी करता हुआ दिखाई देगा। लगातार सरकार के ऊपर हमलावर भी हमने देखा है कि बीजेपी रही है। अंकुश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अंकुश, आज से शुरुआत विशेष सत्र की होने जा रही है, सदन में तमाम मुद्दे रहेंगे जिनको यहां पर बीजेपी उठा सकती है, और अहम मुद्दा रहेगा आरक्षण का। अंकुश, आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है आवाज अंकुश तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र जो जी अंकुश देखिए, विधानसभा का विशेष सत्र जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। और आगाज होने के बाद अब ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का विषय उलझा हुआ है वो सुलझ जाएगा। सरकार की पूरी तैयारी है संशोधन लाने की, और संशोधन जो है वो आज से ही संशोधन लाने की शुरुआत हो जाएगी। इसके पहले कार्यमंत्रणा की बैठक हो चुकी है, और कार्यमंत्रणा की बैठक के बाद अब पूरी तैयारी है। सबसे पहले दिवंगत जो नेता है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, और उसके बाद जो संशोधन है उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। और चर्चा के बाद माना जा रहा है कि इन दो दिनों में छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर आदिवासी वर्ग नाराज है, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग नाराज है, उनको खुश करने की पूरी पूरी कोशिश है। और 32% जो आरक्षण है आदिवासियों का, उसके लिए जैसे ही संशोधन आएगा तो उसको लागू कराकर जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दिलाने का काम सरकार यहां पर करती हुई नजर आएगी। हालांकि सरकार ये पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि आरक्षण को लेकर भले ही हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया हो, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची है, और उसके साथ अपने स्तर पर सरकारी स्तर पर विधानसभा के माध्यम से अगर संशोधन के माध्यम से लोगों को लाभ दिलाया जा सकता है, तो उसको लेकर भी आज विशेष सत्र की जो शुरुआत है उसी के लिए शुरुआत हुई है। इसके अलावा अनुपूरक बजट की भी तैयारी है, तो अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चाएं होंगी। कुल मिलाकर दो दिनों का सत्र जरूर है, लेकिन दोनों दिन काफी हंगामा होने के आसार है, क्योंकि
विपक्ष अपनी पूरी तैयारी में है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में लाभ लेने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है, क्योंकि 5 तारीख को मतदान है और मतदान के ठीक पहले अगर आप आरक्षण को लेकर संशोधन लाते हैं तो संशोधन का लाभ सीधा सीधा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा और उनके जो बीजेपी का जो प्रत्याशी है उनके वोटों पर असर पड़ेगा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक अच्छी चीज यह है कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण से जो वंचित हुए हैं जो वर्ग, उनको आरक्षण दिलाने का काम सरकार यहां पर करने जा रही है और सत्र की शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत के बाद आज जैसे ही संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी, उस चर्चा के दौरान काफी हंगामा होने के आसार जो है वो भी यहां पर बताए जा रहे हैं। बिल्कुल। और चूंकि अगर बात की जाए, चूंकि ये मुद्दा तो काफी ज्यादा अहम रहने वाला है आरक्षण का, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए, चूंकि क्या और भी मुद्दे जो हैं वो गूंज सकते हैं इसमें, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप तस्वीरें वहां पर दिखा दीजिए, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगी थोड़ी सी तस्वीरें आप दिखाइए कि सत्र जो है वो शुरू हो गया है और लोगों की किस तरीके से बाहर चहलकदमी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से जो सदन है, सदन के बाहर की तस्वीरें दिखा सकता हूं कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये चहलकदमी जो है वो चल रही है और तमाम जो सरकार के जो मंत्री हैं या सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, विपक्ष के जो नेता हैं नारायण चंदेल और विपक्ष के जो विधायक हैं, वो सीधे सदन के अंदर जो है मौजूद हैं। और कुछ ही देर पहले यानी ठीक 11 बजे सदन के सत्र की शुरुआत हुई और सत्र की शुरुआत से ही सबसे पहले जो दिवंगत नेता है या दिवंगत जो सदन के जो सदस्य रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि देने के बाद अब संशोधन पर चर्चा यहां पर चल रही है। चूंकि सदन के अंदर कैमरे जो है वहां पर अलाउ नहीं है, वहां पर आप मीडिया को कवरेज जो है अंदर तक का उस पर पाबंदी लगी हुई है, इसलिए अंदर की तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते। फिलहाल सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तमाम नेता, तमाम विधायक, तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन के अंदर मौजूद है और सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं।